ये हमारा सीक्रेट बीच देहरादून में। मुझे भी नहीं पता था, मैं देहरादून करीबन पिछले 9-10 महीने से रह रहा हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये यहाँ पे सीक्रेट बीच है। देख इतना प्यारा है, बिल्कुल खाली बीच। ये एक्चुअली तुंश नदी है, यहाँ पे विकास नगर में बहती है, बिल्कुल उसके किनारे ही है ये पूरा इलाका है। और बहुत खूबसूरत है, बहुत सीरीन है। हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, बस दो लोग हैं हम लोग यहाँ पे। और देखिए कितना शांत, कितना प्यारा लोकेशन है। यहाँ पे जल देखिए, जल की धाराएं, बिल्कुल नदी देखिए कितनी साफ सुथरी नदी है, बिल्कुल गंदगी नहीं है। सामने वहाँ पे एक झरना बह रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। सर ये पहाड़ियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर आती हैं, और जहाँ मैं खड़ा हूँ नदी के इस पार, ये मैं उत्तराखंड में खड़ा हूँ। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और बड़ी प्यारी नदी यहाँ पे तमसा नदी, तुंस नदी, इसे लोकली में यहाँ पे तुंस नदी बोलते हैं, टर्न्स भी बोलते हैं इसको।
सही लोकेशन है ना एकदम देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अलावा, बिल्कुल शांत पानी। और आगे जाके ये नदी यमुना जी में मिल जाती है। यमुना जी को लोकल में यहाँ पे कालिंदी नदी बोलते हैं। ये नदी यहीं पे मिल जाती है जाके, सामने जो आप देख रहे हैं उस तरफ, और सामने से नदी आ रही है कालिंदी नदी, यमुना नदी, और ये नदी जाके वहीं पे मिल जाती है। तो यही वो स्थान है जहाँ पे कालिंदी और तूंस नदी, तमसा नदी का मिलन होता है, ऐसा बताया जाता है हमारे पुराणों के अनुसार। भगवान विष्णु की शादी माता कालिंदी से हुई थी। कालिंदी नदी जो है यमुना जी का ही नाम है, यहाँ पे लोकली उत्तराखंड में से कालिंदी बोलते हैं। तो माता यमुना की शादी हुई थी भगवान विष्णु से, वही ये पावन स्थल है। बहुत कम लोग, काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और अच्छा है, जितने कम लोग जानेंगे उतना अच्छा है। कम लोग होंगे तो गंदगी नहीं होगी, और इसका वातावरण की जो स्वच्छता है जो आप देख रहे हैं ये सामने मेरे, ये बनी रहेगी। किनारे में चल रहा हूँ इन पत्थरों पर, देखिए नीचे यहाँ तमसा नदी बह रही है। नीचे नहीं है, बहुत नीचे नहीं है, आप पैदल आराम से चल सकते हैं, बट यहाँ पे एक नेचुरल रास्ता फॉर्म हुआ है, हम इसी पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि उस तरफ क्या है, क्योंकि पहाड़ी के उस तरफ का जो नज़ारा है वो आँखों से नहीं दिख पा रहा है, चूँकि इस पहाड़ी सामने आ जाती है। तो हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है ये जगह, तमसा नदी है, और तमसा नदी के ठीक किनारे स्थित है यहाँ पे ये जगह। अब शायद आपको वो झरना दिख रहा होगा, विष्णु पुराण में इसका जिक्र है, इस जगह का काफ़ी पौराणिक है, और साथ में एक बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सीक्रेट लोकेशन है, देहरादून के अंदर आता है ये। इसकी जो बनावट है यहाँ की, और जो यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं आप प्राकृतिक है। शीतल, बिल्कुल बिल्कुल शीतल, बहुत शीतल। और भाई सच बताना कैसा लग रहा है जगह? बहुत बढ़िया, कोई है नहीं ना तो और भी अच्छा लग रहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह ना मुझे अच्छा भी पसंद है, नहीं है, है ना? शांति है, शांति है बिल्कुल। वहाँ कुछ देर और प्रकृति के साथ समय बिताने के बाद अब हम लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।